हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट में। तो दोस्तों, काफ़ी सारे दिनों से हमें एक ही कमेंट मिल रहा था जिसमें सभी का कहना यह था कि यदि हम सेकंड पेमेंट के लिए अप्लाई करते हैं या फिर थर्ड पेमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें जो है नॉट रेडी फॉर सब्सिक्वेंट डिस्ट्रीमेंट का मैसेज शो होता है और हमारा जो है वो फॉर्म अपलोड नहीं हो पाता है। सो दोस्तों, मैं हूँ इंद्रजीत और आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि यदि आपको सब्सिक्वेंट पेमेंट अप्लाई करने के वक्त नॉट रेडी फॉर सब्सिक्वेंट इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टोटल तीन तरीके बताएंगे जिससे कि आप नॉट रेडी फॉर सब्सिक्वेंट इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन आने पर भी आप सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, यदि आप सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए अप्लाई करते हैं और यदि आप सेकंड पेमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप इससे पहले सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए अप्लाई किए हैं या फिर नहीं। इसको चेक करने के लिए आपका जो भी ब्राउजर होगा उसको सिंपली से ऑन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे MNSSBY। दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमारे सामने यह पहला वाला जो ऑप्शन आएगा MNSSBY का, हम लोग सिंपली से इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, इसका पेज जो है हमारे सामने लोडिंग ले रहा है और देखिए इसका पेज हमारे सामने लॉगिन हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग, योजना एवं विकास विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग, ये शिक्षा विभाग की MNSSBY की ऑफिशियल साइट है। और दोस्तों, यहाँ पर अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉलेज फॉर BSCC, इस पे जाके आप देख सकते हैं कि आपके कॉलेज को लोन मिलेगा या फिर नहीं। दोस्तों, इस टॉपिक पे हमने पहले से वीडियो बनाए रखा है, आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, सिंपली से यहाँ पे अपना यूजर नाम, यहाँ पे पासवर्ड और ये वाला कैप्चा को यहाँ फिलअप करके यहाँ पर सिंपली आप लॉग इन कर दीजिएगा। तो चलिए सिंपली हम लोग यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको सिंपली से हम लोग यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है सिंपली से लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तब दोस्तों, हमारे सामने जो है वो हमारा पेज जो है वो लॉगिन हो जाएगा। हम लोग तब तक यहाँ पे वेट कर लेंगे। तब दोस्तों देखिए, हमारे सामने हमारा पेज जो है वो ओपन हो गया है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द स्कीम, चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस फॉर करेंट स्टेटस लैब। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे जाएंगे सब्सिक्वेंट पेमेंट पे। तो दोस्तों, हमारे सामने जो है वो सब्सिक्वेंट पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको आपका नाम और रजिस्ट्रेशन ID शो होगा। तो दोस्तों, आपको ये पता करने के लिए आपने पहले से सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए अप्लाई किया है या फिर नहीं, इसके लिए जो है यहाँ पे कोर्स कम्प्लीसन डेट ये पहले से देखिए फिलअप है। मतलब कि दोस्तों, हमारा सब्सिक्वेंट पेमेंट जो है वो अप्लाई हो चुका है इससे पहले। तो दोस्तों, यदि हमारा अप्लाई है, उसके बाद यदि दोस्तों हम लोग यहां से अपना डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके अपलोड करते हैं तब हमें जो है नॉट रेडी फॉर सब्सिक्वेंट इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन शो होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसको फिलअप करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहां देख सकते हैं, यहां अपलोड डॉक्यूमेंट में हम अपना प्रमोशन लेटर, यहाँ पर कोर्स कम्प्लीसन डेट और यहाँ पर डिक्लरेशन को अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो हमारे आधार से जो भी नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP चला जाएगा। तो दोस्तों, उस OTP को यहाँ पे एंटर करते हैं। OTP को एंटर करने के बाद सिंपली हम लोग सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा कि हमारा जो है कोर्स कम्प्लीसन डेट सही है या फिर नहीं। और दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आएगा कि डिक्लरेशन लेटर पर हमने जो है वो साइन डिक्लरेशन को अपलोड किया है। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ प्लीज वेट बोला जा रहा है तो हम लोग तब तक वेट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमें मैसेज मिल गया नॉट रेडी फॉर सब्सिक्वेंट डिस्ट्रीमेंट। दोस्तों, ये ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद फिर से हम लोग ट्राई करते हैं तो फिर से हमें वही सब देखने को मिल रहा है। फिर से देखिए, हमें वही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, नॉट रेडी फॉर सब्सिक्वेंट डिस्ट्रीमेंट। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमें जो है यहाँ पे नॉट रेडी फॉर सब्सिक्वेंट इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन शो कर रहा था। दोस्तों, ऐसा इसलिए कर रहा था कि हमने जो इससे पहले सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए अप्लाई किया था वो हमारा ना ही रिजेक्ट हुआ था और ना ही अप्रूव।
तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपने जो सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए पहले अप्लाई किया है वो या तो आपका रिजेक्ट हो जाना चाहिए या फिर सक्सेसफुली सबमिट हो जाना चाहिए और आपका पेमेंट आ जाना चाहिए। यदि आपका अप्लाई है और रिजेक्ट नहीं हुआ है तब दोस्तों यदि आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपको नॉट रेडी फॉर सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों नॉट रेडी फॉर सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन आने पर पहला जो तरीका है वो ये है कि आप कई दिन ट्राई करते हैं, आप डेली जो है वो ट्राई करें सब्सिक्वेंट पेमेंट अप्लाई करने के लेके, और अपना मेल जो है वो चेक करते रहे कि आपका रिजेक्ट हुआ है या फिर नहीं। यदि आपका रिजेक्ट नहीं हुआ होगा तब दोस्तों आपको ये वाला ऑप्शन शो करते ही रहेगा। अब दोस्तों दूसरा है इसमें कि आप कस्टमर केयर को कॉल करके पूछेंगे। दोस्तों कस्टमर केयर को कॉल करके उसको अपना सारा डिटेल देंगे, और कस्टमर केयर के नंबर के लिए आप लोग गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे आप लोग टाइप करेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम कस्टमर केयर नंबर या फिर हेल्पलाइन नंबर, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पहला जो ये वाला नंबर आएगा इस पर आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमारा जो है नॉट रेडी फॉर सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन आ रहा है, या फिर यहाँ से कॉन्टैक्ट अस में जाके इसको आप मेल भी कर सकते हैं, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों तीसरा जो है वो ये है कि आप अपने DRCC में जाएंगे, वहाँ आपका मैनेजर जो होगा उसके सामने आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका जो है वो सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वो जो करेगा आपने पहले जो अप्लाई किया था उसको रिजेक्ट कर देगा या फिर उसको अप्रूव कर देगा, जिससे कि आपको आपका सेकेंड पेमेंट या फिर थर्ड पेमेंट मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने जाना कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में नॉट रेडी फॉर सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन आने पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रियल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।